अब हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन की हमें वैल्यू निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 3.02 पर, यानी कि हमें एफ ऑफ 3.02 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? सिंस हमें x इज इक्वल टू 3.02 पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें x प्लस डेल्टा x की वैल्यू पता है जो कि होगी 3.02, और उसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.02। तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी 0.02। अब हमने माना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो हम यहां से कह सकते हैं कि एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x हो जाएगा y प्लस डेल्टा y के। अब हम y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 पर निकाल सकते हैं जो कि एफ ऑफ 3 के बराबर होगी, और वो हमें मिलेगी 77। यानी कि हमें y की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है। और डेल्टा y का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि डेल्टा y इज इक्वल टू dy by dx into डेल्टा x। अब इसके लिए पहले हमें dy by dx निकालना है, तो उसके लिए फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होगा। देन वी गेट dy by dx और f dash x इज इक्वल टू 6x प्लस 15। जब हम dy by dx की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, देन वी गेट डेल्टा y इज इक्वल टू 0.66। यहां हमने x इज इक्वल टू 3 अज्यूम किया है क्योंकि हम निकाल चुके थे पहले कि x की वैल्यू 3 होगी। तो अब हमें y की वैल्यू मिल चुकी है और डेल्टा y की वैल्यू भी मिल चुकी है। नाउ वी कैन से y प्लस डेल्टा y विल बी इक्वल टू 77.66।